क्या थी और बेरोजगारी क्या थी। तो शहर शहर हमारे संवाददाताओं ने जायजा लिया पेट्रोल और डीजल की कीमतों का, और इसी पर लोग क्या सोच रहे हैं उनसे भी बातचीत की। लगातार 6 हफ्तों से ईंधन के भाव पूरे देश में बढ़ रहे हैं। मुंबई और ऐसी मेट्रो सिटीज में भी इस प्राइस का कहर जो है वो आम आदमी पर देखने के लिए मिल रहा है। मुंबई की अगर आप बात करें तो मंडे के दिन 95 रुपीस पर लीटर के से ज्यादा के ऊपर ही आपको पेट्रोल मिलेगा और 86 रुपीस पर लीटर से ऊपर ही आपको डीजल मिलेगा। 1-2 पैसे का जो फर्क है वो कंपनी दर कंपनी बदलता है, बट ये जो प्राइसिंग है। और साथ ही साथ मुंबई जैसे शहर में जहां पर लोकल ट्रेन अभी तक पूरे टाइम के लिए आम आदमी के लिए शुरू नहीं हुई है, लोग अपने काम पर आने जाने के लिए भी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे बढ़ते प्राइसेस कहीं ना कहीं जो लोग डेली इस्तेमाल करते हैं व्हीकल उनके ऊपर भी इम्पैक्ट इसका होता हुआ दिख रहा है। लॉकडाउन में प्राइसेस बढ़े थे, अभी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के भाव ज्यादा है, इसलिए सरकार कहना है कि प्राइस कम होंगे ऐसा लगता नहीं है। सर, बढ़ने फ्यूल प्राइस बढ़ने से इम्पैक्ट आपको कुछ महसूस होता है? सही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी बाजू रखते हुए ये कहा है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए फ्यूल प्राइजेस आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। एक्साइज ड्यूटी में किसी तरीके की राहत की उम्मीद नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि 95 के ऊपर तक पेट्रोल पहुंच चुका है और पता नहीं है कहां जाकर रुकेगा। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।